आप देख रहे हैं माय एजुकेशनल वीडियो हिंदी यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। शाहरुख खान और गौरी खान 25 अक्टूबर को अपनी शादी की एनिवर्सरी मनाएंगे। साल 1991 में इसी दिन दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि उनकी शादी की पहली रात एक फिल्म के सेट पर कटी थी और इसकी वजह थी हेमा मालिनी। शाहरुख और गौरी शादी वाले दिन ही हेमा मालिनी ने उन्हें फोन कर कहा कि वे चाहे तो शूटिंग के लिए आ सकते हैं। शाहरुख यह सोचकर खुश थे कि हेमा मालिनी से मिलना गौरी के लिए सरप्राइजिंग होगा। गौरी भी एक्साइटेड थी। शाहरुख उस समय हेमा मालिनी के डायरेक्शन और प्रोडक्शन में बन रही फिल्म दिल आशना में काम कर रहे थे। शाहरुख गौरी को लेकर स्टूडियो पहुंच गए, लेकिन हेमा मालिनी दिखाई नहीं दी। वहां असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि हेमा मालिनी जल्दी ही आ जाएंगी। गौरी के साथ शाहरुख एक कमरे में बैठकर हेमा मालिनी का इंतजार करते रहे। रात करीब 11 बजे शाहरुख गौरी को मेकअप रूम में ही छोड़कर शूटिंग के लिए चले गए। करीब 2 बजे तक शूटिंग चली, लेकिन हेमा मालिनी अभी भी सेट पर नहीं पहुंची थी। थक हार कर शाहरुख वापस मेकअप रूम में पहुंचे तो देखा कि भारी साड़ी और गहनों से लदी गौरी एक लोहे की कुर्सी पर ही सो गई थी। शाहरुख को बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या करते, यह उनके स्ट्रगल का दौर था।